अरे भाई बिगाड़ा, अरे कैसे भगा फिर रहा है? अरे चाचा मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, मैं कैसा भजा फिर रहा? अरे आ बैठ। अरे क्या बैठ? हाँ भाई बैठ बिगाड़ा। मैं चाचा पूरा गाँव तो मुझे कह दिया बिगाड़ा, और तुम भी और मुझे बिगाड़े कह रहे। तो तू बिगाड़ा है ना? चाचा कुछ भी हो मैं काम की बात बताता हूँ। तो फिर हमें भी बता दे कोई काम की बात। चाचा काम की बात तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, झूठ मान लोगे। ना ना झूठ नहीं मानेंगे बिगाड़ा, तेरी बात और हम झूठ मान लें। तू बात बता। तो बताऊं चाचा तुम्हें बात? बात ऐसा है वो जो ना तुम्हारी बीवी, तुम यकीन तो करोगे नहीं मेरी बात पर। चाचा एकदम पक्की बात बताऊंगा, तुम अजमा के देखना। अच्छा वो जो ना तुम्हारी घर वाली हमारी चाची, अरे हाँ वो पिछले जन्म की सांपन है। सांपन? वो कैसा? वो चाचा ऐसे मुझे तो पूरा गांव कह ही दे बिगाड़ा, मगर तुम ये मेरी बात अजमा के देखियो। वो रात को उठ के ना तुम्हारे शरीर को चाटती है वो। शरीर को चाटती है? हाँ हाँ चाचा चाटती है यार, उसका मौका लगा ना किसी दिन को वो तुम्हें डस भी लेगी। पूरा गांव तो मुझे कह ही दिया बिगाड़ा, मगर तुम मेरी बात ही वाली अजमा कर देखियो आज रात को। तू झूठ तो ना बोल लिया? अरे चाचा मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के, आज रात तुम ये बात अजमा के ही देख लो। अरे लल्ला चाटती भी होगी तो हमें तो पता ना चलता, हम तो देख ना रहे हैं, पसीने में लथपथ हो जा, जाग कर सो जा, थक गए हमें पता ना चलता क्या हो रहा। चल आज सुतरी को अजमा के देखूंगा आज पक्का। ठीक है चाचा? हाँ ठीक है, चलो फिर। वो पिछले जन्म की सांपन है। उठे बे, ना खाना ना, मुझे थोड़ा थकान सी हो रही है, जल्दी नींद आ रही है। ठीक है सो जाओ। वाकई बिगाड़ा सही कह रहा था, यो बहन तो सच में सांपन है। यो तो मौका देखते शरीर को चाटने लगी, अगर आज इसके दांत न तोड़े तो यो बहन तो किसी दिन मुझे जरूर डस लेगी। क्यों मार रहा गधे? तुम मर जा। बहन का सुतरी मारो, गधा बता रहे हैं मैं? बता रही
बहन का सापन मारू, रात रात हमें चाट रही, क्या मतलब है तेरा हमें चाटने का है? वो बिगाड़ा बिल्कुल सही कह रहा था, तू सुतरी पिछले जन्म की सापन है सापन। अगर मैं पिछले जन्म की सापन हूँ तो तुम मुझे जो मेरे पिछले जन्म में कदा है बहन का फिर कदा बता रही, बता रही बिगाड़ा बता रहा है निश्चय, वो बिगाड़ा आया था, बिगाड़ा आया था। तेरे नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, मैंने लोकी बनाई मजा आ गया। आज सावन की फिर वो जड़ी है मेरे सीने में बही गई है। चाची राम 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 राम, पैसे बिगाड़ा। चाची तू भी मुझे बिगाड़े कह रही है, गांव वाले तो मुझे कह रही है बिगाड़ा। क्यों तू है ना बिगाड़ा? चाची मैं बिगाड़ा ना हूँ, मैं जो ना काम की बात बताता हूँ, और मेरे पेट में तो गैस बन ही रहा था कि मैं किसी को काम की बात बताऊँ। हमें तो बताई ना तूने असला कोई काम की बात। कैसी बात कर रही चाची, ले मैं तो जाए बताई दूँ काम की बात। वो जो है चाचा हमारा, अरे वो पति तुम्हारा, वो पिछले जन्म का गधा है। बस चाची यही तो, पूरा दिन तो गधे काम करते हैं चाची। उन्हें जो ना पिछले जन्म की आग लगी हुई तो इसलिए गधोगी धन्य काम करा है वो। मुझे पता तू मेरा विश्वास तो करेगी ना, मेरा यकीन ना रहे ना तुझे चाची, तो मेरी बात तू रात को अजमा के देखी। वो कैसे? वो ऐसे, वो जो पति तुम्हारा चाचा हमारा, आज रात को उसके शरीर को चाट के देखी, अगर लगा नमका तो समझ ले पक्का गधा है वो, अगर लगा फिक्का ना तो समझ ले आदमी है वो। अच्छा ठीक है, मैं रात को उसे चाट के देखती हूँ। हाँ हाँ चाची, आज मेरी बात को अजमा के देखी रात को, ठीक है मैं चलू। ठीक है रात को चाट के देखती हूँ। नमका तो बोलेगा क्योंकि पिछले जन्म का गधा है। ठीक है चाची, तो मैं चलू फिर। राम राम चाची। राम राम। मुझे कभी कभी इसके अंदर गधे वाली हरकतें दिखाई देने, देखती हूँ आज रात को से। ओए मैं मर गई। मैं तो तेरी सुथरी मारू, तुझे बिगाड़ा पर विश्वास करने क्या जरूरत थी? अब जब तुझे पता है आदमी काम करने गया खेत से, अब तो पसीने में लथपथ होगा तो जाहिर सी बात है नमका तो लगेगा, तू उसके कहने से चाटना स्टार्ट कर दिया है। तुमने भी तो उस पर विश्वास किया बिगाड़ा पे। अबे वाकई में औरत जो होती वो मोटे दिमाग की होती। ये कर रहे आए मैया, ये सारा क्या धरा जो है ना बिगाड़ा का ही है, नहीं देखूंगा कल। राजू भाई क्या हो गया? क्या हो गया? हमने कटिंग ना करा ली, गांड हरवा ली हमने। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया, हमने एक ही दुकान पर जाकर बाल कटवा रहे थे, बिगाड़ा ने देख लिया और जाकर कह दिया हमारे अब्बा से कि तुम्हारा लौंडा से सुपर कटिंग करा दिया। फिर क्या हुआ भैया? हमारे अब्बा ने हमारी बकारी जायद के हम पर लट तोड़ दिया। बेलट और बेलट, अब तुम ही बताओ भाई साहब, इसमें हमारे अब्बा की गलती है नहीं है? गलती तुम्हारे अब्बा की ना है, गलती है तुम्हारे उसकी बिगाड़ा की जो तुम्हारे घर जाके गई। भाई साहब इस बिगाड़ा ने पूरे गांव में आग लगा रखी, अब तुमसे क्या छुपाना? हमारे साथ भी कुछ ऐसी हुआ, हमारी साइडिंग आ रही थी हमसे मिलने, बिगाड़ ने देख लिया जात तो ही पिताजी की गांड में उंगली कर दी। बस फिर क्या होना था, हम जैसे घर गए हम पे भी लट टूट गया, घर से बाहर निकाल दिया और तो जहाँ जहाँ से बेदखल कर दिया। कुल मिला के बात जो है बिगाड़ हमें गाँव में रहना देगा तो भैया हम तो बहुत परेशान हैं। अरे कैसा परेशान हो? वही बिगाड़ा जो करवाना ठीक ही है। तूने क्या कर करा दिया बिगाड़ा? भाई साहब हमें बिगाड़ा ने घर से निकलवा दिया। अरे बिगाड़ा से तो हम भी परेशान है बहुत। अरे तुम क्यों हो परेशान? अरे हमारी नई नई शादी हुई भैया, शादी के बहुत बड़े आशिक थे भैया, हम घर को जा रहे थे, हम नाली के द्वारा हमारा पैर फिसल गया, हम भैया नाली में गिर गए, बिगाड़ा ने देख लिया। अब बिगाड़ा ने भैया ऐसा देखा हमारे घर जाकर नुकैया आया ना, दारू पीकर नाली में गिरा फिर गया। अब भैया हम तुम्हें दारू पीने वाले दिखाई दे रहा है ना?
तो बताइयो बिगाड़ने जाकर घर कह दिया बहू सा हमारी। फिर क्या था भाई साहब, हमारी बहू ना बगैर नशे के मारा दे झाड़ू और दे झाड़ू। फिर क्या कर रही, अंदर को आ जा भाड़ू। तो हम ना कहा भाई साहब अंदर उंदर को, हम तो भैया ही बाहर से कभी अंदर जाकर फिर झाड़ू। भैया इस बिगाड़ा ने तो जीना हराम कर रखा। कुछ दिनों पहले लाला जी के घर में भी लड़ाई करवा दी इसने। लाला जी के घर से चीख की आवाज़ आ रही थी, हम तो सोच रहे प्राइवेट चीख की आवाज़ है। सुबह पता चला कैसी चीख की आवाज़ थी, वो बिगाड़ा की आग लगाई भी थी। लाला से जाकर कह दिया उन्होंने की बहू पिछले जन्म की सापन है सापन, और लाला ने सू कह दिया वो पिछले जन्म के गधे हैं। तो बताइयो ये बिगाड़ा ऐसा ऐसा कहता फिर घरों में, लगवा रहे लगवा रहे भाई साहब आग, इसका कुछ करना पड़ेगा। और तुम्हारे घर में भी आग लगा दी, तुम्हारे घर में भी, हमारे घर में भी, और लाला के घर में भी आग लगवा दी इन्होंने बिगाड़ा ने। इसका भाई साहब कुछ करो। भाई साहब बिगाड़ा ने पूरे गांव में आग लगा रखी, ऐसा आदमी गांव में रहना ठीक नहीं है। सही कह रहा है भाई साहब तू। हां तो चलो चलो फिर चलो। अरे ताऊ तुम्हें किसने कही थी रंगीन लगे हैं दारू पीने को, हराम की दारू पीते फिर रहे ताऊ तुम, पूरी तबीयत खराब कर ली पूरी रात पी के। ताऊ मुझे छोड़ के मत जाइयो। हाँ भैया बताओ क्या कह रहे। अरे ताऊ ये इधर खड़े। बताओ भैया क्या कह रहे। तो क्या हो गया बिगाड़ा? होना क्या था भैया, यो तो मुझे मेरे पापों की सजा मिल ले भैया। मैंने भैया इस गांव में बहुत लड़ाई करवाई भैया, लोगों की लुगाई छुड़वाई भैया। भैया इस जवान से मैंने लोगों को बहुत बुरा भला कहा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने बहुत चुगली करी भैया, ये तो मुझे मेरे पाप डर है। गांव वालों तुम मेरी बस एक बात और सुन लो लास्ट। अरे हाँ भाई बिगाड़ा भाई बताओ क्या बात है। मरने से पहले बस मेरी एक ख्वाहिश है, ये जो मेरी जवान है ना इसने गांव में बहुत लड़े झगड़े करवाए, तुम इसे ना मेरे जितते जी काट दो ही। अरे ना बिगाड़ा भाई तुम्हारे जितते जी हम तुम्हारी जवान बिल्कुल नहीं काटेंगे, वो तो हम तुम्हें थोड़ा बहुत मारते बस, मारना आए थे थोड़ा बहुत तुम्हें बस हम। अरे बिगाड़ा भाई हमें बिल्कुल नहीं पता तुम पहले से बीमार पड़े, तुम्हारे जितते जी हम बिल्कुल जवान नहीं काटेंगे। ठीक है भैया मरने वाले की इच्छा पूरी मत करो। रे ताऊ कोई और इच्छा हो तो बता दो पौवे की। मेरी पौवे की इच्छा ना है, जब तुम मेरे जितते जी मेरी एक ख्वाहिश पूरी ना कर रहे तो ऐसा करो मरने के बाद मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दियो। हाँ हाँ बता देंगे। जब मैं मर जाऊँ तो तुम मेरे मुंह में ना खुट्टा ठोक दियो। ताऊ अजी ताऊ ताऊ बिगाड़ा तो चल बसा। भैया बिगाड़ा मरता मरता एक बात बिल्कुल सही कह गया, इसके मुंह में ठोक सो खुट्टा। चलो फिर ताऊ को ले जाने का इंतजाम करो। हाँ चलो खुट्टा वहीं ठोक लेंगे। बिगाड़ा बड़ा शरीफ आदमी था। अगर साले तुम्हें कहते बिगाड़ा शरीफ आदमी था तो अर्जी छोड़ के यहीं चला जाऊंगा। बिगाड़ा शरीफ होता तो पूरा गांव होता इसके पीछे, हम पास ना होते। चला गया गू अरे सर सर देखना कहाँ जा रहे हो? ये अर्थी जा रहे है, दिख नहीं रहे तुझे? सर अर्थी तो जा रही है और लेकिन अर्थी के बीच में खंबा सा खड़ा है।
बस्ती में खंबा। रुको रुको, क्या है वो? साहब अर्थी है। अर्थी है? अबे यो तो हमें भी दिख रहा है अर्थी है यो, लेकिन यो बताओ उसके बीच में खंबा लगा था खड़ा है। अरे साहब अर्थी है। अर्थी है? नीचे रखो इसे। अर्थी है यो? अर्थी तो हमने बहुत देखी, लेकिन ऐसी अर्थी हमने कभी नहीं देखी। यो खंबा जगह से खड़ा कर रखा है इसमें, नीचे रखो इसे। इधर ले काव से नीचे। यहाँ रखो इसे। चेक कर भाई क्या है इसमें, अभी देखते हैं। रुको, सीधा हटो सीधे। सर जिंदा आदमी मार रखा है इन्होंने। चभी तो तुम चारों लेके जा रहे हो इसको, है मर्डर करा है तुमने इसका यो? और तो और, तुमने सर खुट्टा ठोक के मारा है इसके मुंह में। सबको उठा सालों, सबको जेल होगी ना। चलो भाई उठो। अरे सर ये तो इसकी आखिरी ख्वाहिश थी। अच्छा, खुट्टा ठोकने की आखिरी ख्वाहिश थी। हाँ सर। ऐसा किसकी ख्वाहिश होगी कि मरने के लिए खुट्टा ठुकवाएगा? इससे काम में सब परेशान थे। हाँ, ये यही वजह है जो तुमने मार दिया इसको। सब नहीं, परेशान नहीं। थे गांव वाले इससे। सबको जाना पड़ेगा जेल। चलो इधर को निकलो। अरे सर, अरे सर मैं तो मेहमान था। अरे सर मेहमान था, तेरा भी हाथ है इसमें। अरे सर मेरा कोई हाथ नहीं है सर। तेरा हाथ ना है। चल चल। भाई साहब यही वजह थी जो बिगाड़ा कोई लेकर जा रहा था। साला बिगाड़ा मरता मरता ही फंसवा गया ना। लिख गया तो ठीक रहता। भाई साहब हम तो मेहमान थे, हमें ही फंसवा गया। अरे यार ये तो बेचारे मेहमान है, इन्हें आगे को बिठाओ यार। मैं करूँ तेरा नाश्ता पानी है? तू ही तो कह रहा था बिगाड़ा बहुत शरीफ आदमी था। बिगाड़ा बहुत शरीफ आदमी था, बिगाड़ा ने फंसवा दिया हमें है। चुप जाओ बहन के लोड़ो, हाँ खुद बिगाड़ा फंसवा गया। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो।